नमस्कार, मैं निशा पंचवानी, आप देख रहे हैं मेरे साथ महाराष्ट्र टीवी 24। आइए नजर डालते हैं आज की देश विदेश की खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 71 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहली लिस्ट में 48 और दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने नागपुर साउथ से गिरीश पांडव, वर्धा से शेखर शिंदे और यवतमाल से अनिल मांगुलकर को टिकट दिया है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने अपने 15 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। सूची में उस बायकला सीट का नाम भी है जहां कांग्रेस भी अपना नाम कर रही है। शिवसेना यूबीटी ने बायकला से मनोज जमसुतकर को चुनावी मैदान में उतारा है। राहुल गांधी का मानना है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत के दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने अपनी भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभाई। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीच में छोड़कर चले गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड के लोगों के नाम एक भावुक पत्र लिखा है। चिट्ठी में उन्होंने वहां के लोगों के प्रति अपने अनुभवों और सपनों को शेयर किया। पत्र शनिवार को सामने आया है और प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल के वायनाड से चुनावी शुरुआत को लेकर लिखा गया है। उन्होंने पत्र की शुरुआत अपने भाई राहुल गांधी के साथ चुरमला और मुकुंदकई यात्रा का जिक्र करते हुए किया, जहाँ उन्होंने भूस्खलन और विनाशकारी प्रभाव और लोगों द्वारा झेले गए नुकसान को करीब से देखा है। ऋषिकेश एम्स देश में पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू कर इतिहास रचने जा रहा है। 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस हेली सेवा का शुभारंभ। आखिर 4 साल के इंतजार के बाद भारत की अपनी पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने जा रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अरविंद को मारने की कोशिश कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की नफरत की राजनीति हदें पार कर चुकी है, वे अरविंद केजरीवाल की जान लेने पर तुले हुए हैं। बिट्टू का यह पत्र सांसद अब्दुल्ला के सवालों के जवाब में था, जो उन्होंने ट्रेनों में भोजन की क्वालिटी और सफाई से जुड़े मुद्दों को लेकर उठाए थे। डीएमके के सांसद ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री के कार्यकाल में तैनात अधिकारियों को कई बार फोन करके आग्रह किया था कि पत्र अंग्रेजी में भेजा जाए, क्योंकि उन्हें हिंदी समझ नहीं आती। दिवाली और सूर्य उपासना का महापर्व डाला छठ नजदीक है, ऐसे में ट्रेनों में भीड़ होनी शुरू हो गई है। घर जाने के लिए कई लोगों का टिकट कंफर्म हो जाता है तो कई लोगों को टिकट तक नहीं मिल पाता। ऐसे में यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे की तरफ से कई जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, ताकि त्योहारों पर जाने की तैयारी कर रहे लोग आसानी से अपने घर जा सकें। यमुना में डुबकी लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के साथ साथ खुजली की समस्या भी हो रही है, जिसके बाद उन्हें RML नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। सचदेवा का कहना है कि उनका सांस लेने में तकलीफ या खुजली का पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है, पहले उन्हें इस तरह की बीमारी नहीं रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा अपडेट के मुताबिक आज सुबह 8 बजे के करीब दिल्ली का औसत AQI 228 मापा गया और अधिकतर इलाकों का AQI भी 200 के पार बना हुआ है। हालांकि आज कहीं भी 400 तक नहीं गया है। मेरे साथ फिलहाल देश विदेश की खबरों में इतना ही। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।